हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट एंड गेजियर विद द ऑल न्यू 2024 होंडा सिटी वी वेरिएंट आपके सामने खड़ी है। मैनुअल ट्रांसमिशन एंड सिटी के लाइनअप में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके सामने खड़ी हुई है, बिकॉज थर्ड बेस मॉडल से ही आपको अडास लेवल 2 जैसे फीचर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो गाइस, इस व्हीकल के रिगार्डिंग हम लोग पूरी डिटेल में रिव्यू आज करने वाले हैं। क्या फीचर्स मिलते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, डायमेंशन, वेट, गाड़ी माइलेज क्या दे देती है, प्राइसिंग वगैरह हर की बात करने वाले हैं। एंड कॉम्पिटिटर्स जो इसके मार्केट में भी रन कर रहे हैं, लाइक अगर आप स्कूडा में भाई स्लाबिया को देखते हैं, VW में वर्टस को देखते हैं, हुंडई में वरना को देखते हैं, मेन तो इसकी राइवल वरना ही है भाई, तो उस ये सबसे ये प्रोडक्ट कितनी बढ़िया रहने वाली है, वीडियो इन तक बने रहेगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड चैनल पर नहीं तो उसको प्लीज सबसे पहले ऐसी कार्ड से ले रहे इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपनी छपाने के। आज हम अगर नियर बाई से बिलोंग करते हो, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए भाई अपनी होंडा की, बिल्कुल रजिस्ट्री होंडा पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शेयर होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी के डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं क्या इस की से। तो कुछ ऐसी आपको की ऑफर होती है भाई अपने होंडा सिटी वी वेरिएंट में, यहाँ आपको 3 बटन्स मिलेंगे लॉक अनलॉक एंड ट्रंक ओपन करने का। एंड गाइस, यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड गाइस, अगर प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की बात करते हैं तो सिटी ऑफर होती है भाई टोटल अपने को 9 वेरिएंट 7 कलर ऑप्शन के साथ। एंड गाइस, प्राइसिंग की बात करेंगे तो भाई स्टार्ट होती है 12.85 लाख रुपीज़, बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक चली जाती है भाई ये अप्रॉक्स 16 लाख तक। एक्स शोरूम आपके सामने भाई इसकी वी मैनुअल ट्रांसमिशन खड़ी हुई है वेरिएंट, इसकी प्राइस आपको 16.5 लाख तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में गाइस वेरी कर सकती है। एंड गाइस, अब इसके फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, क्या यहाँ पे आपको चीज़ें भाई मिलती हैं फ्रंट से, हर एक बार डिटेल में हम लोग करेंगे। एंड गाइस, कुछ ऐसी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया से इसकी फ्रंट प्रोफाइल मिल जाती है। पहले तो ये जान लीजिए अडास लेवल 2 आता तो उसी का एक पार्ट मिलेगा, कैमरा की प्लेसमेंट जो कि लेन की पासिस वगैरह में काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है वाइपर्स, साइड बाय साइड कुछ कट्स मिलेंगे जो कि व्हीकल को लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है, एज वेल एज व्हीकल को एरोडायनेमिक से भी प्रोवाइड करा देती है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया क्रोम इंसर्ट्स मिल जाता है। एंड हेडलाइट देख लेंगे तो गाइस, यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया सिंगल यूनिट में प्रोजेक्टर सेटअप में हेडलाइट मिलती है, बाकी सभी चीज़ हैलोजन है, टर्न सिग्नल एंड सभी चीज़ हैलोजन मिलेगी। नीचे अगर फॉग लैम्प देख रहे हैं तो ये भी आपको भाई रिफ्लेक्टर भी हैलोजन सेटअप में मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया सी गाइस, यहाँ पे आपको कट्स, एजेस, डिज़ाइन वगैरह देखने को मिल जाती है अपनी सिटी में। एंड ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। एंड फ्रंट से अगर देख रहे हैं तो भाई यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग, नंबर प्लेट, टोइंग सेटअप, कोई भी पार्किंग सेंसर फ्रंट में नहीं आती, यहाँ पे टोइंग हुक की सेटअप मिलेगी। बाकी गाइस, गाड़ी की लुक आपको कहीं से भी ऐसा निराश करने वाली नहीं है, लुक में भी अच्छी है, गाड़ी फीचर्स के साथ भी आती है, सेफ्टी के भी साथ भी आती है, कम्फर्ट भी एक नंबर है गाड़ी का। एंड साइड से अगर आ जा रहे हैं तो भाई ये है इसकी ओवरऑल राइट साइड प्रोफाइल अपने सिटी वी वेरिएंट की। ड्राइवर साइड इक्वल सेंसर आता है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल वो आगे मिलेंगे विद टर्न सिग्नल। एंड गाइस, अगर व्हील्स को देख लेते हैं तो काफ़ी भी यहाँ पे आपको अलॉय व्हील ऑफर हो रहे हैं, फ्रंट में डिस्क, रियर में डम ब्रेक आते हैं। एंड टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो 185/60 सेक्शन टायर मिलेगी विद 15 इंचेज ऑफ अलॉय व्हील। एंड यहाँ पे आपको इक्वल सेंसर, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, बाकी गाइस रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, ऊपर आपको बॉडी कलर साफ एंटीना मिल रहा है। एंड गाइस, रियर प्रोफाइल की तरफ आ रहे हैं तो ये है भाई अपने सिटी वी वेरिएंट की रियर प्रोफाइल, जहाँ पे आपको ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप फ्रेम, डिफॉगर, सार्फिन एंटीना, होंडा की ब्रांडिंग, यहाँ पे एविटिक की ब्रांडिंग मिलेगी, यहाँ पे आपको सिटी की ब्रांडिंग, टेल लैम्प को देखेंगे तो एलईडी ब्रेक लाइट, बाकी रिवर्स लाइट, टर्न सिग्नल आपको हैलोजन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरा, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप मिलेगी, 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं रियर में, नीचे में नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर्स, बाकी काफ़ी अच्छी आ जाती है भाई इसकी रियर प्रोफाइल। एंड बूट स्पेस की अगर बात कर लेते हैं तो गाइस 506 लीटर की अप्रॉक्स बूट स्पेस मिल जाती है अपने सिटी में, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस आती है, बूट लैम्प भी मिल जाता है आपको, बूट स्पेस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ऊपर प्रॉपर कवरिंग मिल जाती है ट्रंक पे। ये भाई इसकी ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल जो मैंने आपको दिखाया था राइट साइड में, वही चीज़ आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी। रिक्वेस्ट सेंसर भाई आपको ड्राइवर को ड्राइवर साइड दोनों साइड मिल जाती है, 40 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। लेफ्ट साइड रियर फेंडर पर फ्यूल लो मिलेगा, एंड गाइस बात कर लेते हैं क्या यहाँ पे आपको मिलता है भाई इस व्हीकल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, डायमेंशन, वेट एंड सेफ्टी फीचर्स। डायमेंशन सबसे पहले लेंथ की बात करेंगे तो 4574 mm की लेंथ, 1748 mm की वेथ, 1489 mm की हाइट, 2600 mm की व्हील बेस। एंड गाइस, यहाँ पे आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है एंड 1107 kg तक की यहाँ पे कर्व वेट मिल रही है। सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं तो भाई होंडा की प्रोडक्ट है, बिल्ड क्वालिटी में बढ़िया रहती है। उसी के बाद यहाँ पे आपको 6 एयरबैग, ABS, ABD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, MTTF तलाम, सीटबेल्ट वार्निंग, डोर वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, इंजन इक्विलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, आइसोबैक सस्पेंशन माउंट, हिल असिस्ट एंड अडास लेवल 2 जैसे काफ़ी बढ़िया बढ़िया सेफ्टी फीचर्स आपको होंडा सिटी वी वेरिएंट में मिल जाते हैं। अब चलते हैं गाइस इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को ऑफर हो रही है। सबसे पहले गाइस हम लोग चलेंगे इसके ड्राइवर साइड। सो गाइस, यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स, इक्वल सेंसर वगैरह मिल जा रहे हैं। कुछ ऐसा गाइस, यहाँ पे आपको पूरा डोर पैनल मिलेगा जो कि गाइस ये ब्लैक आता है एंड यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश में सॉफ्ट टच मिल जाता है, ये सब काफ़ी बढ़िया फील दे देता है, बेज कलर। एंड यहाँ पे कंट्रोल्स को देखेंगे तो चारों पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइवर साइड ऑटो, यहाँ पे अगर आप देख रहे तो भाई अपने को मिल जा रहे हैं डोर लॉक अनलॉक बटन, यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जा रहे हैं, लीवर आपको क्रोम में मिल रहे हैं, नीचे आपको मिल जा रहा है भाई स्पीकर प्लेसमेंट, वाटो होल्डर्स वगैरह। एंड गाइस कुछ ऐसा काफ़ी बढ़िया सा इंटीरियर मिलता है आपको।
यहाँ पे आपको मिलेगा डिफॉगर, एसी वेंट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लिवराइजर, नीचे 3 पैडल्स मिलेंगे, यहाँ से आप फ्यूल नोड, इंजन बे ओपन करेंगे। बाकी गाइज सही सा इंटीरियर आता है, सीट्स अपने को फैब्रिक मिल जाती है, हेडरेस्ट दो हैं, दोनों एडजस्टेबल हैं, यहाँ पे आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को ऑफर हो रही हैं भाई, और डोर को करते हैं क्लोज। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, तो इसके थोड़ा सा गाइज हम लोग ऑन कर लेते हैं क्लस्टर को, कुछ ऐसा क्लस्टर ऑन करने के बाद आपको सीन मिलेगा। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको गाइस सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, इधर टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, लो फ्यूल इंडिकेशन, लो ऑयल इंडिकेशन एंड डिजिटल फ्यूल गेज, रियल टाइम TPMS वगैरह, ओडोमीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, हर एक चीज़ व्हीकल रिगार्डिंग आपको बिल्कुल यहाँ पे मिल जाने वाली है। एंड गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे आपको 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, होंडा की ब्रांडिंग। कंट्रोल के देखेंगे राइट साइड में मिलता है अपने को MID कंट्रोल, लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑडियो कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे ADAS के भी कंट्रोल मिलेंगे आपको। स्टेयरिंग को अगर देख लेते हैं तो भाई ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। टॉगल्स को देखेंगे राइट साइड में हेडलाइट्स कंट्रोल, लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल, यहाँ पे आपको MID ब्राइटनेस कंट्रोलर मिल जाता है। सेंटर में आ रहे हैं तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को, टच रिस्पॉन्स वगैरह गाइस यहाँ आपको ठीक देखने को मिल जाता है, एग्रेसिव टच रिस्पॉन्स है, कोई दिक्कत वाली बात भाई नहीं है। एंड यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो कुछ ऐसी यहाँ पे आपको रियर कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको हज़ार का बटन, AC वेंट्स, यहाँ पे आपको ऑटो AC मिलता है, उसी के कंट्रोल्स मिलेंगे। नीचे आपको पावर सॉकेट, 2 टाइप ए पोर्ट, यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है। नीचे आपको कप होल्डर्स, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, कुछ ऐसी गियर लीवर मिलेगी, हैंड ब्रेक प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विथ स्पेस। बाकी गाइस स्कोर ड्राइवर सेट काफ़ी बढ़िया, आपको पियानो ब्लैक, ब्लैक एंड बेज कलर में पूरा डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ पे गाइस अगर देख लेते हैं कुछ ऐसा आपको मिलता है स्पेस, ऊपर आपको मैनुअल डेनिम IRVM लाइट्स, आपको हैलोजन मिलेंगे। बाकी सनवाइजर देख रहे हैं तो कुछ ऐसा मिल रहा है आपको वैनिटी मिरर के साथ, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड एंड ड्राइवर साइड भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ भाई मिल रही है भाई, बढ़िया बात। लाइट्स आपको ऊपर हैलोजन मिल रहे थे। बाकी ये है भाई इसका ओवरऑल डैशबोर्ड, इसको करते हैं ऑफ। अब चलते हैं इसके सेकेंड रूम में और देखते हैं वहाँ क्या चीज़ अपने को मिल जा रही है भाई। सेकेंड रूम में चल रहे हैं तो गाइज यहाँ पे भी आपको बॉडी कलर, डोर हैंडल्स वगैरह देखने को मिल जा रहे हैं। एंड इधर गाइज अगर आप देख रहे हैं तो वही ब्लैक एंड बेज कलर का ट्रीटमेंट मिल जा रहा है, फैब्रिक फिनिश है, पॉप विंडो कंट्रोल लीवर आपको मिल जा रहा है क्रोम में, नीचे आपको स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटो होल्डर। एंड गाइज स्पेस की बिल्कुल कमी आपको नहीं होने वाली अपनी सिटी में, यहाँ पे सीट्स आपको फैब्रिक मिल जा रही है, आइसोफिक्स साइड सीट्स माउंट्स हैं। एंड यहाँ पे गाइज आपको हेडरेस्ट 3 मिल रहे हैं, तीनों फिक्स्ड हैं, आर्मरेस्ट मिल जाते हैं विद 2 कप होल्डर्स। एंड पीछे आपको भाई मतलब पार्सल ट्रे की कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स मिलता है पूरा। एंड गाइस यहाँ पे आपको गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रियर में, बिकॉज यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिल जा रहे हैं, यहाँ पे आपको 12 वाट का 2 पावर सॉकेट मिल रहा है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। थोड़ा सा हम पे मिलता है सेंटर में, ऊपर रीडिंग लैम्प मिल रहा है सेंटर में, हैंडल आ रहा है सॉफ्ट क्लोज, राइट साइड में हैंडल प्लस एंगर। बाकी गाइस कुछ ऐसा काफ़ी बढ़िया नी रूम, लेग रूम, फुट रूम मिल जा रहा है, अंदर थाई सब इज टू गुड। एंड गाइस अगर बात कर लेते हैं इसके हेडरूम की तो काफ़ी बढ़िया गाइस यहाँ पे आपको हेडरूम मिल रहा है, बिकॉज अभी सड़ान में हमेशा लीन होकर बैठते हैं, आपके काफ़ी बढ़िया नी रूम वगैरह मिल जाता है लेग रूम, तो इसलिए आप ऐसे लीन होकर बैठेंगे तो कम्फर्ट जोन में बढ़िया हेडरूम मिल जाएगा तब। बाकी आपको मालूम है सड़ान नीची प्रोडक्ट होती है तो यहाँ पे आपको हेडरूम की कमी होती है। ये था भाई इसका ओवरऑल फ्रंट का डैशबोर्ड। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या इसके इंजन में भाई अपने को पावर एंड टॉर्क मिलता है, फटाफट इसका इंजन पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस आपको मिल जाएगा लीवर। एंड गाइस इंजन पे ओपन करने में कुछ ऐसा वाला सीन मिलेगा, यहाँ पे आपको इंसुलेशन पैड मिल जाता है, इधर अपने को मिल जाएगा फ्यूल पैड में बैटरी प्लेसमेंट, ये भाई अपना काफ़ी बढ़िया 1.5 लीटर इंजन। यहाँ पे आपको वाइपर क्लिप, वॉशर फ्लिट, कूलेंट का सेटअप। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 1498 सीसी 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन मिल जा रहा है, जहाँ पे मैक्स पावर आपको 119.3 BHP मिलेगी 6600 RPM पे एंड 145 NM की टॉक मिलेगी 4300 RPM पे। माइलेज की बात करेंगे तो 16-17 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे देती है भाई। सो गाइस ये था भाई अपने होंडा सिटी वी वेरिएंट का फुल डिटेल रिव्यू, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन वेट सेफ्टी फीचर्स हर एक चीज़ भाई मैंने बता दिया। होप करता हूँ सभी लोगों को इसका डिटेल रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, कोई भी चीज़ छोड़ गया कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा मैं बता दूंगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।